नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th और 12th की बोर्ड की जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं चल रही हैं उनमें बच्चों के मन में एक सवाल आना तो लाजमी है, क्या इन बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में बच्चे फेल हो सकते हैं और कम से कम कितने नंबर दिए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी मैंने सीबीएसई यूपी बोर्ड या जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उन सबकी डेमो प्रैक्टिकल की मैंने वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों का उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब आपका स्नेह और प्यार मिला। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे भी मिलते रहे। चलिए बात करते हैं जो बच्चे क्लास 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स के, बाहर से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आए हैं बोर्ड के द्वारा तय किए जाते हैं और वहीं इन एग्जामिनर्स के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार बच्चे आंसर नहीं दे पाते। क्लास में रिस्पांस तो अच्छा आता है लेकिन प्रैक्टिकल में वो फेस नहीं कर पाते क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरीके के इंटरव्यू को फेस नहीं किया था, जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। वहीं कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें रिटन एग्जाम के साथ साथ वाइवा और प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड, मतलब आपकी फाइल्स के मार्क्स भी होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने यदि जो रिटन एग्जाम दिया है तो कोशिश करिएगा उसमें आप पूरा अटेम्प्ट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। यदि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उसमें आपको नंबर नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी ओर वाइवा में कई बार क्या होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ पाता लेकिन टीचर जानता है कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा संकेत कर देता है एक्सटर्नल को कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अभी नहीं बोल पाया, बात अलग है। तो ऐसे में एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपके लिए काफी लीनियर बन जाता है और आपको सपोर्ट करता है। वहीं जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड का भी महत्व होता है लेकिन आपका रिस्पांस कैसा रहा पूरे साल भर क्लास में टीचर्स की नजरों में, तो ऐसे में टीचर्स आपको जब सपोर्ट करते हैं तो आपके फुल में से फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिकल में फेल होने की, तो कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता क्योंकि ये बात जानता है एग्जामिनर भी जो बाहर से आता है या फिर इंटरनल भी होते हैं क्लास 10th के, तो कि बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत की है और प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाएगा तो उसका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ऐसे में उसको फेल नहीं किया जाता। और मैं कई सारे रिजल्ट्स की सीबीएसई स्टूडेंट रिएक्शंस बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हो चैनल पर विजिट करके आपके लिए लाता रहता हूँ, साथ में मोटिवेशनल भी रहते हैं आप लोगों के लिए। अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस आपको कई बार मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आपका साथी सुनील चौधरी, जय हिंद।